हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड वीडियो को लाइक और कमेंट के थ्रू ज़रूर बताइएगा कि आपको स्टिल टुगेदर ये स्टोरी कैसी लग रही है। तो चलिए हम हमारी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। हम विंग को देखते हैं जो रेडी हो रहा था, क्योंकि उसे जाना था हमारे वांग जी के साथ डिनर के लिए। विंग अपने हॉस्पिटल से आने के बाद घर में आके जल्दी जल्दी वो रेडी हो रहा था और वांग जी का जो मैसेज जो था उसे रीड कर रहा था। और विंग के फेस पे एक स्माइल थी, क्योंकि वांग जी ने वहाँ पे लिखा हुआ था कि हम डिनर डेट। विंग मन में सोच रहा था कि उसके बारे में तो उसने कभी सोचा नहीं था। उसने सोचा था कि इस लाइफ में जो है ना वो सबसे दूर रहेगा, बट ये खुशियाँ उसे बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। जहाँ पे विंग अच्छे से रेडी होने के बाद जो ना नीचे आता है, तब तक हमारा वांग जी भी वहाँ पे आ चुका था। और विंग जस्ट हमारे वांग जी को देखता है ना, वो देखता रह जाता है। यहाँ तक कि हमारा वांग जी भी सेम विंग को देख के ऐसे ही देखता रह जाता है। विंग ने व्हाइट कलर का जो शर्ट पहना था, ब्लैक कलर का पैंट, और वांग जी ने जो ना वाइट कलर की पैंट पहनी थी एंड नेवी ब्लू कलर का शर्ट पहना हुआ था जो बहुत ज़्यादा फीका था। जहाँ पे जस्ट विंग उसे देखता है और एक स्माइल करता है और जो ना मैं हाथ को वाइप करता है, बोल तो हिलाता है जस्ट उसे हाई करने के लिए। और वांग जी भी सेम ऐसे करता है और विंग वहाँ पे आ जाता है और वांग जी कहते हैं विंग तुम बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो, बहुत ज़्यादा हॉट लग रहे हो, ऐसे कहता है। और जो है ना विंग पूरा ब्लश करता है। जहाँ पे वांग जी विंग के लिए डोर ओपन करता है, जिसके बाद हमारा विंग अंदर जाके बैठ जाता है, जिसके बाद वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं रेस्टोरेंट की ओर। तो विंग पूछता है कि तुम किस रेस्टोरेंट में लेके जा रहे हो करके, तो हमारा वांग जी कहते हैं स्टिल विंग तुम शांत रहो ना, हम वहाँ पे चलते हैं, ऐसे करते हो। जो ना हमारे विंग को वहाँ पे लेके चला जाता है। जहाँ पे उस रेस्टोरेंट में पहुँचने के बाद विंग जस्ट देखता है कि ये रेस्टोरेंट फुल है, बहुत सारे लोग हैं करके। तो विंग एक सांस लेता है कि हाँ वो दोनों अलग तो नहीं आए करके, बट ये विंग का वहम भी हट जाता है, क्योंकि वांग जी ने उसे एक वीआईपी लॉज जो था ना वो पूरा खाली था, वो था थर्ड फ्लोर के ऊपर। जहाँ पे विंग देखता है और वांग जी की ओर देखता है, जहाँ पे वांग जस्ट एक स्माइल करता है और विंग का हाथ पकड़ता है और विंग को लेके जाना स्टार्ट करता है। विंग जस्ट इधर उधर देख रहा था, जहाँ पे जस्ट वांग जी और विंग थे। जहाँ पे एक बालकनी थी, उस बालकनी के बीच में उन लोगों की टेबल थी, जहाँ पे सारा जो लॉज था ना वो खाली था, लॉज जो था ना वो खाली था। जहाँ पे विंग इधर उधर देख रहा था, ओह विंग कहते लानसान ये है क्या? तो लानसान कहता है कि ये तुम्हारे लिए स्पेशल, ऐसे कहता है। और जिसके बाद जो है ना विंग और वांग जी का वहाँ पे बालकनी एरिया पे अच्छे से वेलकम किया जाता है। जहाँ पे कुछ वेटर्स लोग थे वो विंग और वांग जी के ऊपर फूल बरसा रहे थे, जहाँ पे वो लोग एंटर हो रहे थे, जहाँ पे विंग स्टिल शॉकिंगली देख रहा था। और उसके बाद जो है ना वांग जी विंग के लिए चेयर पुल करता है एंड विंग वहाँ पे बैठ जाता है। एंड विंग बैठने के बाद हमारे वांग जी की ओर देखता है, जहाँ पे वांग जी भी आके बैठ जाता है और विंग से कहता है कि तुम्हें अच्छा लगा? तो विंग कहता है लानसा तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा। तो लानसा कहता है विंग तुम टेंशन मत लो, सब कुछ मैंने हैंडल कर लिया है, तुम नहीं जानते। तो विंग कहते नहीं मुझे भी जो है ना इसका बिल आधा पे करना है। तो वांग जी कहते विंग नहीं कोई ज़रूरत नहीं तुम्हें ये सब करने की। तो विंग कहते नहीं तुम्हारी ज़्यादा इतनी सैलरी भी तो नहीं होगी ना। तो वांग जी कहते विंग तुम टेंशन मत लो मैं सब कुछ हैंडल। विंग कहते नहीं मैंने कहा ना। तो वांग जी विंग मेरे पास कुछ कंपनी के शेयर्स है तो जिससे मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है और मैं अपनी जॉब के अलावा भी कुछ काम करता हूँ। तो विंग कहते बट लानसा मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो लानसा कहते तुम नेक्स्ट टाइम दे देना विंग मुझे ट्रीट। तो विंग कहते हैं हाँ हाँ ये बेहतर रहेगा, ऐसे कहते वो लोग जो है ना अपने लिए फूड ऑर्डर करते। जहाँ पे विंग लानसान के साथ फूड को इंजॉय करता है, जहाँ पे वो दोनों एक दूसरे को देख के स्माइल कर देते और उन दोनों की जो डिनर डेट थी ना वो बहुत अच्छे से जाती है। जहाँ पे लास्ट में जो ना वो दोनों शैंपेन भी पीते हैं, जहाँ पे विंग शैंपेन को पीते हुए कहता है कि थैंक यू सो मच आज की डेट के लिए। तो लानसान भी कहता है कि मैं तो तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ विंग कि तुम मेरे पास आए डेट के लिए, ऐसे कहता है। और जिसके बाद जो ना वो दोनों एक स्माइल करते हैं, जहाँ पे लानसान अपने शैंपेन को ग्लास को साइड में रखते हुए कहते हैं विंग। तो विंग अपने शैंपेन को पीकर साइड में ग्लास को रखते हुए कहता है क्या हुआ है? तो लानसान कहते हैं क्या आया क्या ना किसी यू, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग जस्ट शॉक होता बट एक स्माइल करता है और कहता है हाँ, ऐसे कहता है। एंड विंग और वांग जी उसी टेरेस पे एक दूसरे को किस करना स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ पे चांद भी था, जहाँ पे वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे और वहाँ पे साइड में वायलिन बजते जा रहा था। और विंग और वांग जी एक दूसरे को डीपली और भी ज़्यादा डीपली किस करते जा रहे थे और इस डीप के चक्कर में हमारी विंग को सांस लेने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी। तो विंग जो है ना लानसान को पुश कर देता है और कहता है क्या तुम मुझे खाना चाहते हो? तो लानसान जस्ट अपने मुँह को पोछते हुए कहता है विंग ऐसा क्यों किया, मेरा अभी तक हुआ नहीं था। तो विंग था हाँ तुम तो मुझे खाना चाहते हो, तुम थोड़ा रुक नहीं सकते हो क्या? हम बाद में भी तो ये सब कर सकते हैं, तुम ऐसे ही मुझे खाओगे तो कैसे चलेगा, थोड़ा टाइम लेके खाओ ना। तो वांग जी कहते हैं अच्छा ठीक है, ऐसे कहता है। और वांग जी फिर से विंग को अपनी ओर खींचता है और विंग शौक था और वांग जी फिर से विंग के लिप्स को कैप्चर कर लेता है और फिर से डीपली विंग को किस करना स्टार्ट कर देता है। और विंग फिर से जो ना वांग जी को छुड़वाने की कोशिश कर रहा था, यानी वांग जी के हाथों से छूटने की कोशिश कर रहा था, बट हमारे यहाँ पे वांग जी को कोई भी
वांग जी को कोई भी फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था, बिल्कुल भी नहीं, वो टस से मस नहीं हो रहा था। और वो विंग को डीपली किस करने के बाद वो विंग को छोड़ देता है, क्योंकि विंग को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी ना, वांग जी को देख रहा था, इसलिए जो वांग जी ने उसे छोड़ दिया। जहाँ पे विंग घेरी घेरी सांस लेते हो, कहते सच में तुम एक नंबर के बिस्ट बन चुके हो, तुम मुझे छोड़ ही नहीं रहे हो। तो वांग जी कहते विंग नहीं, मैं नहीं छोड़ना चाहता तुम्हें, ऐसे कहता है। और विंग मैं तुम्हें हर तरह से प्यार देना चाहता हूँ, मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, क्या हम दोनों शादी कर ले? तो विंग पूरा शौक ये कहते क्या क्या? तो वांग जी कहते हाँ हम दोनों शादी कर लेते। विंग कहते तुम पागल हो चुके, हमारे हमारे यहाँ पे ये कानून नहीं है, हम लड़के के साथ शादी नहीं कर सकते, तुम जानते हो ना। तो वांग जी कहते मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ और मुझे जो करना है मैं वो करूँगा, मैं तुमसे शादी करूँगा, मतलब करूँगा, चलो हम शादी कर लेते। विंग क्या कह रहे हो, ये अचानक से कैसे फैसला ले लिया? तो वांग जी कहते क्योंकि मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता इसलिए। तो विंग जस्ट वांग जी को देखता है और कहता है हाँ रुक जाओ, हम बाद में करेंगे, बट अभी थोड़ा टाइम तो दो। तो वांग जी कहते और कितना टाइम चाहिए? विंग तुम तो मुझे जन्मों से जानते हो ना। तो विंग कहता है हाँ मैं जानता हूँ बट। तो लाल तो क्या, तो क्या विंग, क्या तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं कोई फ्रॉड इंसान हूँ? तो विंग कहते नहीं 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 ऐसा नहीं है। वांग जी कहते तो क्यों, तुम तो मुझे जानते हो ना विंग, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम तो सब कुछ जानते हो ना विंग। तो विंग कहता लाल जान थोड़ा रिलैक्स करो ना, थोड़ा टाइम तो दो मुझे सब कुछ समझने का। तो वांग जी कहते हैं ठीक है तुम जितना टाइम चाहिए उतना लो, ऐसे कहता है। और वांग जी जो ना गुस्से से वहाँ से चला जाता है और विंग जस्ट वांग जी को जाते देख रहा था। विंग कहते वांग जी रुको रुको, बट वांग जी जा रहा था वहाँ से, जहाँ पे विंग उसके पीछे पीछे चलते हुए कह रहा था कि ऐसा मत करो ना, तुम ऐसा गुस्सा क्यों कर रहे हो? बट वांग जी कहते मैं गुस्सा नहीं कर रहा हूँ विंग, चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ तुम्हारे घर पे। तो विंग कहते तुम गुस्सा कर रहे हो, आज से पहले तुमने मुझ पर ऐसे गुस्सा नहीं किया था। तो वांग जी कहते विंग मैं तुम पर गुस्सा नहीं कर रहा हूँ, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग कहता है हाँ लांस हान, हमारा लांधन विंग की ओर देखता है और कहता है क्या हुआ? तो विंग कहता है हम शादी के बारे में बाद में सोच सकते हैं प्लीज़। तो लांजा कहता है तो फिर मैं किस बारे में सोचूँ बताओ? तो विंग कहता है एक स्माइल करता है और कहता है तुम ये भी सोच सकते हैं कि हम तुम्हारे घर जाए या मेरे घर। तो लांजन विंग की ओर देखता है और कहता है क्या मतलब है तुम्हारा विंग? तो विंग कहता है विंग लांजन के गालों पर धीरे धीरे ना अपनी उंगलियों से सहलाते हुए कहता है तुम जो चाहते हो मैं वो करने दे सकता हूँ, बताओ तुम्हारे प्लेस चले या मेरे प्लेस, ऐसे कहता है। तो वांग जी एक स्माइल करते हुए कहते हैं ठीक है विंग, याद रखना तुमने जो बोला है ना वही तुम्हें करना होगा, तुम अपने फैसले को चेंज नहीं कर सकते, ऐसे कहता है। और विंग के हाथ को पकड़ता है और विंग को सीधा गाड़ी में बिठा देता है, जहाँ पे विंग जस्ट वांग जी को देख रहा था शॉपिंग लिए। कहता है लांजान इतना ज़्यादा जल्दी नहीं है, क्योंकि लांजान जो है ना हमारा गाड़ी बहुत ज़्यादा स्पीड में चला रहा था, ऐसे ही चलाते हुए जो ना हमारे लांजान के हाउस का दिखाते हैं हमें सीन, जहाँ पे लांजान जो ना विंग को पकड़ते लेके जा रहा था, जहाँ पे विंग कहता है इतनी ज़्यादा जल्दी नहीं है। बट लांजान जैसे ही विंग को अंदर धकेलता है, अंदर घुसाता है, कि लांजान जल्दी से डोर को बंद करता है और विंग को सीधा दीवार पर पुश करता है और किस करना स्टार्ट कर देता है। और विंग भी जैसे एक स्माइल करते हुए जो ना लांजान को किस करते जा रहा था, और वो दोनों एक दूसरे को डीपली किस करते जा रहे थे। लांजान किस करते हुए जो ना विंग के शर्ट को निकालते जा रहा था, जो वाइट कलर की शर्ट थी ना उसे निकालते जा रहा था, और विंग के बॉडी से वो शर्ट अलग हो चुकी थी, यहाँ तक कि हमारा विंग भी सेम हमारे लांजान के शर्ट को निकालने की कोशिश कर रहा था, और लांजान की जो शर्ट थी ब्लू वो भी राइट साइड में पड़ी हुई थी। और किस करते हुए जो दोनों जो है ना कमरे में पहुँच चुके थे, जहाँ पे विंग किसको ब्रेक करता है, कहता है मुझे सांस भी तो लेने दो ना, ऐसे कहता है। जहाँ पे लांजान कहता है कि ऐसे कहता है, और फिर से विंग किस को कैप्चर कर लेता है और विंग को फिर से डीपली किस करना स्टार्ट कर देता है। और किस करते हुए जो ना लांजान विंग के बेल्ट को भी निकाल देता है, और बेल्ट को निकालने के बाद विंग के पैंट के बटन्स को खोल देता है और विंग को सीधा जाके उठा लेता है, उठाता है, और जो ना उठाने के बाद जो ना उसे सीधा अपने बेडरूम की तरफ लेके जाता है, जहाँ पे विंग जस्ट हमारे वांग जी को पकड़े हुए जो ना गहरी गहरी सांसें ले रहा था। और विंग जस्ट एक स्माइल कर रहा था, वो देख पा रहा था कि वांग जी कितना ज़्यादा एक्साइटेड हो चुका है करके। और वांग जी के रूम में पहुँचने के बाद वांग जी जस्ट जो है ना विंग को लाता है और बेड पर जो है ना बिठा देता है। उसके बाद जो है ना हमारा वांग जी विंग के पैंट को नीचे रिमूव कर देता है, विंग के पैंट को निकाल देता है एंड खुद के भी पैंट को निकाल देता है, जहाँ पे वो दोनों ट्राउजर में ही थे। और वांग जी जल्दी से जाके विंग के ऊपर आ जाता है और विंग को किस करना स्टार्ट कर देता है, और विंग भी जस्ट हमारे वांग जी को किस करते जा रहा था, और वो दोनों एक दूसरे को डीपली किस करते जा रहे थे, जहाँ पे हमारे वांग जी के जो हाथ थे ना विंग के बॉडी पे घूमते जा रहे थे, और वांग जी जस्ट मोनिंग करते जा रहा था एक्साइटमेंट के कारण। और हमारा वांग जी बहुत ज़्यादा ही विंग के साथ जो है ना प्यार से जो उसकी बॉडी को सहलाना, उसे टच करना, ये सब करते जा रहा था। और हमारे विंग यानी हमारे वांग जी के हाथ जो ना विंग के ट्राउज़र के पास भी आ चुके थे, और वांग जी धीरे धीरे जो है ना अपने हाथ को विंग के ट्राउज़र के पास लेके जा रहा था और उसके लोअर पार्ट को सहलाने की कोशिश कर रहा था, जहाँ पे हमारा विंग जस्ट वांग जी की ओर देखता है एंड हमारे वांग जी के गर्दन को पकड़ते उसे फ्लिप कर देता है, और वांग जी जस्ट हमारे विंग के नीचे था, जहाँ पे वांग जी देख के शॉक था, जहाँ पे विंग जस्ट एक स्माइल करता है एंड और कहता है मैंने क्या कहा था, तुम्हें सुना नहीं था, मैंने कहा था कि हम वो सब करेंगे बट कौन करेगा, इसके बारे में तो नहीं कहा था ना मैंने,
जहाँ पे वंग, क्या मतलब है विंग? तो विंग कहता है कि इसका ये मतलब है कि मैं तुम्हारे ऊपर रहूँगा, ना कि तुम। तंग जी विंग, तो विंग कहता है क्या क्या हुआ, क्या तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते हो? तंग जी तो विंग, मैंने ये सब, तो विंग कहता है तो मैं क्या करूँ, तुम ये पहली बार कर रहे हो तो मुझे भी पता है, तो मैं कौन सा रोज़ रोज़ करता हूँ। तंग जी विंग, तो विंग कहता हाँ मैं जो है वही बोल रहा हूँ तुमसे, तो मैं थोड़ी ना रोज़ रोज़ करता हूँ ये सब, तो तुम मुझे ये सब बोल रहे हो। तो अंग जी जस्ट एक लंबी सी सांस लेता है और कहता है कि ठीक है तुम जो चाहो वो कर सकते हो, ऐसे कहता है। और विंग कहता है क्या तुम इतनी आसानी से मान गए, मुझे लगा कि तुम्हारे अंदर बहुत बड़ा ईगो होगा। तो अंग जी कहते हैं मैं विंग के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, वो जो चाहे वो। तो विंग जस्ट एक स्माइल करता है और कहता है ओके, ऐसे कहता है। और जो है ना विंग अंग जी के पैंट को यानी लोअर पैंट को निकाल देता है, और जब विंग निकालता है ना विंग पूरा शौक था, क्योंकि उसके सामने हमारे वांग जी का लोअर पार्ट था और विंग जस्ट उसे देख रहा था और वांग जी पूरा हार्ट था। और विंग कहता है ये इतना ज़्यादा हार्ट क्यों है? तो वांग जी दूसरी ओर फेस करते हुए कहते हैं जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ ना, तो विंग कहता है क्या परवट गई है, ऐसे कहता है हमारा विंग। तो वांग जी कहता है विंग मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हें देखने के बाद, मुझे मेरे मन में, तो विंग कहता है तुम्हारे मन में ये गंदे गंदे ख्याल आते रहते हैं मेरे लिए, और तुम मेरे बारे में क्या क्या सोचते हो मुझे बताओ, क्या तुम मेरे बारे में कोई वेट ड्रीम भी देखते हो? तो जो लांजान का फेस इससे रेड हो जाता है, जहाँ पे विंग कहता है सच में लांजान तुम शेमलेस हो चुके हो पूरी तरह से परवट कही के, ऐसे कहता है। जहाँ पे हमारा लांजान जस्ट एक छोटी सी स्माइल करता है और कहता है क्या हुआ तुम ऐसा नहीं देखते हो? तो कहते बिल्कुल भी नहीं, मेरे पास ये सब सोचने का टाइम नहीं रहता, तुम्हें पता है मैं कितना ज़्यादा बिजी रहता हूँ, तो तुम एक पुलिस ऑफिसर होने के बावजूद भी तुम ये सब सोच पाते हो, बट मैं बिल्कुल भी नहीं। और विंग का भी जो ना फेस थोड़ा सा रेड हो चुका था, क्योंकि विंग भी ऐसे वेट ड्रीम देख चुका है ना हमारे लांजान के बारे में इसके कारण, बट वो बताना नहीं चाहता इसलिए। तो लांजान कहते हैं ठीक है। इसके बाद हमारा विंग धीरे से लांजान के लोअर पार्ट को पकड़ता है और उसे बहुत ज़्यादा हॉट महसूस होता है, जहाँ पे लांजान कहते हैं क्या हुआ है विंग, और विंग वांग जी के लोअर पार्ट को रब करना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे लांजान ये महसूस करता है, तो लांजान का फेस पूरा रेड हो जाता है और कहता है विंग विंग ये मत करो, ऐसे कहता है। बट हमारा विंग जो है ना ये वांग जी के लोअर पार्ट को रफ करते जा रहा था, और रफ करने के बाद जो ना विंग अपनी टंग को लांजान के लोअर पार्ट के टॉप पे जो है ना सहलाता है, जिसके कारण लांजान पूरा शॉक था और विंग जस्ट लांजान के एक्सप्रेशन को देख रहा था। और विंग जो अपने टंग को पूरी तरह से घुमाने के बाद जो है ना अपने माउथ के अंदर लांजान के लोअर पार्ट को ले लेता है और उसे सकड़ना स्टार्ट कर देता है, और लांजान तो पूरा का पूरा शॉक था, और लांजान को ये अच्छा फील भी हो रहा था, बट विंग ने ये इतनी जल्दी किया ना कि लांजान को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो चुका था। और विंग लांजान के लोअर पार्ट को रफ करते जा रहा था, बहुत ज़्यादा हार्डली रफ नहीं यानी सक करते जा रहा था बहुत ज़्यादा ही स्पीड में, और लांजान जो गहरी गहरी सांसें ले रहा था, और वो कह रहा था विंग रुक जाओ ऐसा मत करो, बट हमारा विंग ये सब करते जा रहा था। और विंग एक डॉक्टर था ना, तो विंग को सब कुछ पता था, इसलिए जो ना विंग बराबर परफेक्ट तरीके से सारी चीज़ों को परफॉर्म कर रहा था हमारे लांजान के सामने, और लांजान घेरी घेरी सांसें ले रहा था। कुछ टाइम तक विंग वांग जी के लोअर पार्ट को जो सक करते रहता है, और लांजान जो है ना रिलीज होने के कगार पर आ चुका था, और लांजान कहते विंग विंग उठो उठो विंग उठो, ऐसे कहता, बट हमारा विंग जो उठ ही नहीं रहा था, और लांजान विंग के माउथ में ही जो ना रिलीज़ हो जाता है, जिसके बाद जो है ना हमारा लांजान पूरा शॉक था, और लांजान घेरी घेरी सांसें लेते हुए विंग की ओर देख रहा था, बट विंग कुछ भी नहीं, जस्ट विंग जस्ट एक स्माइल करता है और उसे निकल जाता है, और लांजान इसे पूरा शॉक, और विंग तुमने ऐसा क्यों किया? जहाँ पे विंग कहता क्या क्या किया मैंने, तो विंग कहता लांजान कहता तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी। तो विंग जस्ट शू में ऐसे बोट अपने फेस पे लगाता है और कहता है तुम शांत रहो, ऐसे कहता है। और फिर से हमारे लांजान के लोअर पार्ट की ओर देखते कहता है लगता है कि ये अभी भी हार्ड है, ऐसे कहता है। और लांजान कहता है हाँ तुम्हें देखने के बाद, ऐसे कहता है। और जो है ना वो कहता है कि विंग कहता है तो लांजान कहता है क्या तुम अपने लोअर पैंट को नहीं निकालोगे? तो विंग जस्ट एक स्माइल करता है और अपने पैंट को निकाल देता है, और लांजान भी हमारे विंग की ओर देखता है, बट लांजान एक डेविल से स्माइल करता है, विंग तो देख नहीं पाता है, बट लांजान जो है ना विंग की बॉडी की ओर देख रहा था। और जो है ना विंग कहता है कि क्या तुम मुझे ऐसे ही देखने वाले हो? तो लांजान कहता है नहीं ऐसे तो नहीं, ऐसे कहता है। और लांजान जो है ना विंग को सीधा अपने ऊपर खींच लेता है, और विंग सीधा उसके ऊपर आ जाता है, वो दोनों का आई कॉन्टैक्ट होता है, वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे, बट तभी हमारा लांजान विंग को फ्लिप कर देता है, और विंग इससे थोड़ा शॉक हो चुका था, क्योंकि लांजान ने अचानक से उसे फ्लिप कर दिया था ना इसके कारण। और विंग कहता है क्या क्या कर रहे हो तुम, ऐसे कहता है। बट लांजान जैसे एक स्माइल करता है और अपने हाथों को जो ना पीछे की ओर लेके जा रहा था बेड के पीछे,
विंगो समझ भी नहीं आ रहा था कि क्या कर रहा है करके लांजान, बट लांजान जो है ना अपने हैंड क्लब्स जो पुलिस ऑफिसर के रहते हैं ना उसे निकालता है और विंग के हाथों में जल्दी से बांध देता है, लगा देता है। और विंग इसे शौक, और विंग क्या कर रहे हो तुम? तो लांजान कहता है आज ही तो मुझे मौका मिला है विंग तुम्हें अच्छे से कच्चा चबाने का, तो मैं इस मौके को कैसे जाने दे सकता हूँ, और वैसे भी इतने मुश्किल से अगर हमारे हाथ में शिकार आया हो तो उस शिकार को मैं कैसे जाने दे सकता हूँ विंग। ऐसे लांजान जो है ना एक स्माइल करते हुए और विंग इस स्माइल को देख के पूरा डर जाता है क्योंकि ये स्माइल बहुत ज़्यादा डरावनी थी हमारे लांजान की। और विंग कहते लांजान छोड़ 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 मुझे, बट लांजान कहते विंग कुछ टाइम तक वेट करो ना, ऐसे कहता है। और जो लांजान जो है ना विंग के ऊपर से उठ जाता है और विंग की ओर देखता है जहाँ पे विंग जो ना उन हैंड क्लब्स में से अपने हाथों को छुड़वाने की कोशिश कर रहा था, बट हमारा लांजान जो ना कुछ टाइम के बाद कुछ चीज़ ला के जो ना वहीं पे बेड पे रख देता है और विंग के पास आता है और विंग के लिप्स को फिर से कैप्चर कर लेता है और विंग जस्ट जो है ना अपने मुंह को छुड़वाने की कोशिश कर रहा है बट लांजान छोड़ ही नहीं रहा था और वो दोनों एक दूसरे को फिर से डीपली किस करना स्टार्ट कर देते। विंग कुछ टाइम के बाद जो ना हमारे लांजान के साथ किस में पूरी तरह से मेल्ट हो चुका था एंड हमारे लांजान के हाथ जो है ना विंग के बॉडी पे स्लाइडली घूम रहे थे और विंग के निपस को स्क्विज करना भी स्टार्ट कर दिया था और विंग जस्ट मोनिंग करते जा रहा था हमारे लांजान के नाम लेते हुए। और लांजान धीरे धीरे जो है ना किसको ब्रेक करता है और उसके चिन के पास आता है, चिन पे सक करते हुए जो ना उसके बॉडी के नीचे 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 धीरे धीरे आना स्टार्ट कर देता है और आखिर में विंग के निपस को अपने माउथ में पकड़ते हुए उसे स्क्विज करना स्टार्ट कर देता है, वो भी अपने टीथ के मदद से। और विंग जस्ट मोनिंग करते जा रहा था और विंग उसे रोकना तो चाहता था बट विंग के हाथों में कुछ भी नहीं था क्योंकि हाथ ही विंग के पास नहीं थे, इसके कारण विंग अपने हाथों से कोशिश भी नहीं कर सकता था। लांजान ने विंग के हाथों को ऊपर की ओर अच्छे से जो हैंड क्लब की मदद से टाई कर दिया था और विंग कोशिश तो कर रहा था बट कुछ भी नहीं, बट विंग जस्ट वांग जी के जो टच था ना उस टच में मेल्ट होते जा रहा था और लांजान जस्ट फील करते जा रहा था, यानी हमारी विंग को टीस करते जा रहा था जहाँ पे विंग के निपस को अपने टीथ में फंसाते हुए विंग को थोड़ा सा जो है पेन देने के बाद हमारा लांजान धीरे से जो ना विंग के निपस को अपनी टंग से लिक करता है और विंग को इससे बहुत ज़्यादा हॉटनेस अपने बॉडी में महसूस होती है, यहाँ तक कि विंग की जो नेक थी ना वो रेड हो चुकी थी, वो बहुत ज़्यादा हॉट महसूस कर रहा था। जहाँ पे हमारा लांजान धीरे धीरे जो है ना विंग के लोअर एरिया के पास भी आ चुका था, उसके जो बेली था बेली पे आने के बाद जो ना वो धीरे धीरे वहाँ पे सक करते हुए जो ना विंग के लोअर पार्ट की ओर देखता है जहाँ पे विंग जस्ट घेरी घेरी सांसें ले रहा था, जिसके बाद लांजान विंग के पैरों के बीच में आके बैठ जाता है एंड विंग के पैरों को ज़बरदस्ती से एक दूसरे से हटाने की कोशिश करता है क्योंकि विंग हटाने ही नहीं दे रहा था हमारे वांग जी को, और वह विंग ने जो ना बहुत ज़्यादा टाइटली अपने पैरों को दबा के रखा था। और लांजान कहते विंग ओपन करो इसे, अपने लेग्स को स्प्रेड करो, बट हमारा विंग कर ही नहीं रहा था। तो लांजान कहते विंग मुझे अपने जोर को आजमाने का मौका मत दो, विंग कहते नहीं 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 नहीं, तो लांजान कहते विंग, तो विंग कहते प्लीज़ हर्ट होगा, तो लांजान कहते नहीं होगा विंग, तो विंग कहते तुम्हें क्या पता है मैं एक डॉक्टर हूँ मुझे पता है कितना हर्ट होता है, तो लांजान कहते तुम्हें पता है और किस तरह से ज़्यादा हर्ट नहीं होगा तुम्हें ये भी पता होगा, तो तुम मुझे बता दो मैं वैसा करूँगा। तो विंग कहता है कि क्या तुम्हारे पास वो है, तो लांजान कहते क्या, तो विंग कहते जेल, तो विंग लांजान कहते कौन सा जेल, हेयर जेल, तो विंग कहते क्या कह रहे हो तुम यहाँ पे, तो लांजान एक स्माइल करते कहते हाँ हाँ मुझे पता है किस चीज़ की ज़रूरत है। तो लांजान जो है अपने हाथ में जो जेल था ना उसे निकालता है और विंग को दिखाते हुए कहते देखो, तो विंग कहते ये तुम्हारे पास कैसे है क्या तुम, तो लांजान कहते नहीं विंग इसी मौके के लिए मैंने खरीद के रखा था, ऐसे कहता है। और लांजान अपने हाथ में जेल ले लेता है और विंग को अपने पैर को ओपन करने के लिए कहता है जहाँ पे विंग ओपन कर देता है और लांजान धीरे धीरे उस जेल की मदद से विंग के अंदर अपनी फिंगर को एंटर करवाना स्टार्ट कर देता है और विंग जस्ट मोनिंग करते जा रहा था और लांजान विंग के अंदर धीरे धीरे अपने टू फिंगर्स को ऐड कर देता है और विंग जस्ट मोनिंग करते जा रहा था। और विंग को दर्द तो हो रहा था बट ज़्यादा नहीं क्योंकि लांजान बहुत ज़्यादा स्मूथली करते जा रहा था ना, विंग को ज़्यादा पेन ना हो इसलिए। ऐसे करते हुए जो है ना लांजान अपनी फोर्थ फिंगर को भी हमारे विंग के अंदर ऐड कर देता है और विंग जस्ट ज़ोर से चिल्लाता है, जिसके बाद लांजान धीरे धीरे जो ना विंग के लोअर पार्ट के पास अपने लोअर पार्ट को रफ करता है और धीरे धीरे विंग के अंदर एंटर करवाना स्टार्ट कर देता है और विंग जस्ट मोनिंग करते जा रहा था, उसके मुँह से ज़ोर ज़ोर से आवाज़ निकल रही थी और हमारा विंग जस्ट मोनिंग करते जा रहा था। और लांजान जो है ना अपने लोअर पार्ट को विंग के पूरे अंदर एंटर करवाने के बाद जो विंग के ऊपर आता है और विंग के लिप्स को कैप्चर करता है, जस्ट विंग भी जो ना लांजान के लिप्स को सक करना स्टार्ट कर चुका था बट लांजान ने अभी तक बॉडी मूवमेंट स्टार्ट नहीं की थी, जस्ट वो पहले विंग को अच्छे से किस करता है और किस को ब्रेक करता है, जिसके बाद वो खड़ा हो जाता है और विंग के साथ इंटीमेट होना स्टार्ट कर देता है और विंग जस्ट मोनिंग करते जा रहा था, वो जोर जोर से मोनिंग करते जा रहा था क्योंकि लांजान विंग के साथ स्पीडली इंटीमेट हो रहा था और विंग उसे रुकने के लिए कह रहा था बट हमारा लांजान नहीं रुक रहा था और विंग के हाथ तो विंग के पास थे ही नहीं, तो विंग का हाथ से रुकने वाला था हमारे लांजान को और लांजान हमारे साथ विंग के साथ बोले तो इंटीमेट होना स्टार्ट कर चुका था। ऐसे ही उन दोनों के जो है ना
फोर्थ राउंड कंप्लीट होने के बाद जो है ना हमारा लांसन जस्ट विंग के हाथों को खोल देता है और विंग के हाथों की ओर देखता है, जहाँ पे विंग के हाथ जो है ना उन हैंड क्लब्स की मदद कारण जो है ना उस पर रेड कलर के निशान बन चुके थे, इसलिए जो ना लांसन जाता है और जो है ना ट्यूब लाइक ये हमारे विंग के हाथों को लगाता है, जहाँ पे विंग कहता है ये सब क्या कर रहे हो तुम, रहने भी दो ना, जहाँ पे इतनी ज़्यादा तुम्हें चोट पहुँचाइए मुझे वहाँ तो कुछ करोगे नहीं, बट यहाँ देखो ना। तो लांसन कहता है अच्छा तुम चाहते हो मैं कुछ करूँ, तो विंग कहता है रहने दो कुछ भी नहीं कर सकते तुम, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना जस्ट हमारा लांसन एक स्मक करता है और कहता है देखो मैं क्या करता होता, तो विंग कहता है क्या करता हो क्या करते हो, तो विंग तो बहुत ज़्यादा थका हुआ था, विंग जस्ट अपनी बॉडी को पूरी लूज करके जो ना ऐसे ही वहाँ पर पड़ा हुआ था और लांसन उसके हाथों में चोट लगाने के बाद जो है ना लांसन विंग के लोअर पार्ट के पास आता है, आने के बाद जो है ना विंग के पैरों को ओपन करता है, विंग कहता है क्या करो मैं थक चुका हूँ मुझे अपने लोअर एरिया पे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है ठीक से, ऐसे कहता है। जहाँ पे लांसन जस्ट एक स्माइल करता है एंड विंग के लोअर एरिया के पास जो है ना वो पहले पूरी तरह से टॉवल की मदद से जो है ना उन सारी चीज़ों को जस्ट क्या कहते हैं उसे पसीना था लिक्विड था उन सारी चीज़ों को अच्छे से क्लीन करने के बाद विंग की ओर देखता है और कहता है विंग, तो विंग कहता है हाँ क्या हुआ है अब मुझे सोने भी दो क्या कर रहे हो चुका होगा ना, तो लांसन जस्ट एक स्माइल करता है एंड विंग के बट को पकड़ते ऊपर की ओर करता है और विंग कहता है क्या 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 कर रहे हो, जहाँ पे लांसन जस्ट एक स्माइल करता है और विंग के बट एरिया के बाद झुकते हुए अपने टंग का इस्तेमाल करते हुए विंग को लिक करना स्टार्ट कर देता है बट एरिया के पास और विंग पूरा शॉक, और विंग को ये जो चीज़ थी ना बहुत ज़्यादा सेंसिटिव फील हो रही थी, विंग की बॉडी से शिवर कर रही थी, विंग को अभी तक जो ना अपने लोअर एरिया के पास जो ना कुछ भी ज़्यादा महसूस नहीं हो रहा था, बट लांसन ने जब उसे लिक करना स्टार्ट कर दिया अपने टंग की मदद से तो विंग की बॉडी पूरा शिवर कर रही थी और विंग कहता है लांसन ये सब मत करो प्लीज़ ये बहुत ज़्यादा डिस्कस्टिंग है लांसन, बट हमारा लांसन कुछ भी नहीं सुन रहा था और लांसन अपने टंग की मदद से लिक करते जा रहा था सक करते जा रहा था और विंग जस्ट मोनी करते जा रहा था, उसे बहुत ज़्यादा अच्छा फील होते जा रहा था और लांसन कुछ टाइम तक विंग को ऐसे ही लिक करने के बाद जो है ना विंग की ओर देखता है, जहाँ पे विंग जो ना रिलीज़ हो चुका था वो भी अपने पेट के ऊपर, जहाँ पे लांसन जस्ट देखे एक स्माइल करता है और विंग जस्ट गहरी गहरी सांसें ले रहा था क्योंकि विंग बहुत ज़्यादा हॉट हो चुका था ना इसके कारण। जिसके बाद हमारा लांसन फिर से एक टॉवल लेके आता है वार्म्थ वाला एंड हमारे विंग को उसके बॉडी को क्लीन करना स्टार्ट कर देता है, क्लीन करने के बाद लांसन खुद को भी क्लीन करता है और विंग के साइड में आके लेट जाता है, जहाँ पे विंग ने अब तक जो आँखें बंद कर ली थी और हमारा विंग सो चुका था और लांसन भी विंग को हक करने के बाद ऐसे ही सो जाता है। तब नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे आगे क्या होता है, तो ओके मुझे उम्मीद है कि आपको ये भी पार्ट पसंद आया होगा करके, ओके बाय।